फेस्टिव सीजन आ रहा है तो बहुत सारी चीजें लाइन अप है। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ और दिस इज जस्ट अ नॉर्मल डे। और बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मैं करवाने जा रही हूँ। आई थिंक टाइटल मैंने डाल दिया होगा तो आपको टाइटल को देख के समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मेरा जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। तो दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द नेल एक्सटेंशन। मैं आज नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए जा रही हूँ, परमानेंट नेल एक्सटेंशंस। तो जो टेम्प्रेरी नेल एक्सटेंशंस हैं वो मैं घर पे इजीली कर लेती हूँ। आई थिंक मैं अपना वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ जो कि लास्ट करता है 6 to 7 days तक। बट मुझे परमानेंट एक्सटेंशंस कैसा होता है, 25 to 30 days वो लास्ट करता है। मैं ऑलरेडी एक बार करवा चुकी हूँ, मैं काफ़ी रेनाउंड पार्लर में करवाया था। मैं उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मैंने उसके बारे में बताया था। तो इट हैज़ क्वाइट वेरी बहुत सारी उसकी ब्रांचेज हैं और सब है। तो राखी के टाइम पे ही ऑफर चल रहा था तब मैंने करवाया था। और उस एक्सटेंशन के बाद मेरा बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था। मेरे नेल्स इतने ज़्यादा ब्रिटल हो चुके थे, इतने ज़्यादा वीक हो चुके थे कि वो खुद से ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। देन मेरे मन में आ गया था कि भाई इससे तो नेल्स एकदम बर्बाद हो जाते हैं। बट रिसेंटली मेरी एक दो फ्रेंड्स ने करवाया है तो मेरा भी काफ़ी मन कर रहा था। तो मैंने जिस पार्लर से स्मूथिंग करवाया था, आई आस्क्ड टू देम बिकॉज वो भी नेल एक्सटेंशन करती हैं। तो मैंने उनको ये पूरा प्रॉब्लम बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। देन शी सेड मी कि वो गारंटी लेती हैं कि ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होगा, वो नेल्स में बफिंग ज़्यादा, कुछ उन्होंने टेक्निकल टर्म्स यूज़ किया है। तो थोड़ा सा मुझे, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट्स पे थोड़ा ट्रस्ट है, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग देयर और ट्राइड इट आउट। बिकॉज अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप है। तो मेरा मन तो बहुत कर रहा है नेल्स को एक्सटेंशन कराने का, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है नेल एक्सटेंशन। और मेरे खुद के नेल्स जो है ना वो ग्रो भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ग्रो नहीं होते हैं मेरे नेल्स। बट हम इतने सारे हाउस होल्ड चोर्स करते हैं कि किसी ना किसी चीज़ में उलझ करके फंस करके वो टूट जाता है, और जैसे ही वो एक टूटता है तो वो फिर सारे तोड़ने पड़ते हैं, तो वो बहुत वीक हो जाते हैं। तो दैट्स वाई मैं नेल एक्सटेंशन के लिए जा रही हूँ। और आज ऐसे में कुछ स्पेशल तो करने नहीं वाली हूँ, सिर्फ मैं वही जा रही हूँ। और लेट्स सी हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर देना देन मेक श्योर आप मुझे वहाँ फॉलो करते हो, बिकॉज मैं हर 5 days, 6 days, 7 days पे मेरा नेल्स कैसा दिख रहा है, अभी वो कैसा हो रहा है, कब वो कैसा हो रहा है, पूरा मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। डे वाइज 20 day में कैसा हो रहा है, 25 days में कैसा हो रहा है, कब मैं रिफिल के लिए गई, जो भी है वो सब मैं अपने इंस्टा पे शेयर करूँगी। और अभी बज रहा है, कितना बज रहा है, ओके 12 बजने वाले। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे 11:30 का अपॉइंटमेंट दिया था, तो मैं फटाफट से वहाँ पर निकलती हूँ और वहाँ पर पहुँचने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन बाय। तो ये है मेरे नेल्स बिफोर एक्सटेंशंस के, पहले मेरे नेल ऐसे दिख रहे हैं। तो काफ़ी छोटे हैं, मतलब ऑलरेडी काफ़ी छोटे हैं, बट ये ग्रोइंग ग्रो हो रहे थे। एंड सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो लोग स्टेप करते हैं, उसमें आपके नेल्स की कटिंग होती है। तो यहाँ पर मेरे नेल्स जो हैं वो कट हो रहे हैं। उसके बाद ये कुछ ऑयल लगाया था, आई थिंक दिस इज लाइक अ प्राइमर टाइप का कुछ ऑयल है, आई एम नॉट श्योर यार, ये टेक्निकल टर्म्स मुझे नहीं पता। मैं बेस लाइन छोटा मोटा जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। उस हिसाब से अगर आपको करवाना है तो आप डायरेक्टली करवा करके आ जाइए, बिकॉज यू नो बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद को भी नहीं क्लियर है कि क्या हो रहा था। ये जो पार्ट है ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है, इसमें बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये बफर्स जो आते हैं ये अलग अलग तरह के आते हैं। जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस पैथेटिक एक्सपीरियंस था उसमें बफिंग मेरी बहुत गलत तरीके से की गई थी, जिसमें मेरा पूरा जो नेल बेड है वो पूरी तरह से ख़राब कर दिया था। तो इन लोगों ने बहुत सॉफ्टली बफिंग करी मेरी, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा करी भी नहीं है। एंड उसके बाद जो नेल्स हैं फेक नेल्स हैं वो मेजर करके देखे जाते हैं कि कौन सा किसके हाथ में लगेगा, मतलब मेजर किया जाता है, एंड देन फिर ये ग्लू से इसको स्टिक किया जा रहा है।
एक्सटेंशंस लगाने के बाद इनको बफ किया जाता है ताकि आपका जो फेक नेल है वो सिमेट्री वाला लुक जो आता है वो आ जाए, एंड देन कटिंग वटिंग करके शेप करा जाता है प्रॉपरली नेल्स को। नाउ अब जो प्रोसेस होने वाला है वो बिल्कुल ही न्यू है, मैंने अभी तक इस तरह की टेक्निक नहीं देखी है, तो ये अलग ही कुछ टेक्निक से मेरे एक्रेलिक एक्सटेंशंस हुए थे जिसका इफेक्ट बहुत ही नीट और क्लीन आया था और बहुत अमेजिंग लग रहे थे ये, मतलब फेक नहीं लग रहे थे। आपको जो उठा उठा सा जो एक्रेलिक नेल्स में शेप आता है ना वैसा शेप बिल्कुल नहीं आया, आप खुद देख सकते हो, इट लुक्स लाइक माई ओरिजिनल नेल्स। एंड लास्टली यहाँ पर नेल पेंट यूज़ की जा रही है, तो दिस इज़ अ जेल नेल पेंट, मुझे इसका ना तो शेड नंबर पता है ना ही, इट्स लाइक अ न्यूडिश ग्रेज टाइप ऑफ अ कलर है और पर्पलिश मिक्स है इसमें, तो इस टाइप का कलर था ये। एंड ये हमारा जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, इसके ऊपर एक और कोटिंग होगी एंड देन फ्रेंच नेल वाला जो लुक होता है, जो टिप होती है, वो मैंने फ्रेंच नेल स्टाइल में करवाई थी। तो ये है मेरे नेल्स का आउटकम और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इनफैक्ट ओवरऑल प्रोसेस मुझे बहुत सैटिस्फाइंग लगी है। एंड आप देख सकते हो ये है मेरा जो फाइनल आउटकम ऑफ माय नेल्स। हे गाइस, सो दिस इज माय नेल एक्सटेंशन, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ माय नेल एक्सटेंशन, इट्स बीन ऑलरेडी 3 days, मैं 3 दिन बाद शूट कर रही हूँ वीडियो, तो मैं देखना चाह रही थी कि मैं कंफर्टेबल हो पाती हूँ कि नहीं। वैसे मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ बिकॉज मैं फेक नेल्स काफ़ी लगाती रहती हूँ, आई एम लिटरली लविंग इट। और मैंने ये न्यूड शेड्स लगवाया है, दिस इज लाइक अ, और मैंने ये न्यूड शेड के ऊपर व्हाइट कलर का फ्रेंच नेल टिप लगवाया है, इस तरह से करवाया है ताकि ये सबके ऊपर चला जाए, आई लाइक न्यूड कलर्स, सो येस। और मैंने बहुत बड़े बड़े भी नहीं रखवाए एज यू कैन सी। ओके, सो डिटेल्स ऑफ माई नेल्स इज, मैंने क्या करवाया है मैंने बताया नहीं, मैंने करवाया है परमानेंट जेल एक्सटेंशंस जो कि लास्ट करता है 20 to 30 days, डिपेंड्स आप किस तरह का काम करते हैं, कभी कभी किसी किसी लोगों का 20 डेज में ख़राब हो जाता है, किसी का 30 डेज लास्ट करता है, तो वो डिपेंड करता है। अब आते हैं इसके चार्जेस के ऊपर, तो इसका जो प्राइस होता है वो वैरी करता है, मतलब मैंने जो जेल एक्सटेंशंस लगवाया है इसके ऊपर जो नेल पेंट है, दिस इज़ ऑल्सो परमानेंट, ये जेल नेल पेंट होती है, ये नॉर्मल नेल पेंट नहीं है, इवन इसको ड्राई करने का भी प्रोसीजर होता है, ये सिर्फ जो यूवी वाला जिसके अंदर हम हार्ड डालते हैं उसके थ्रू ही ये ड्राई होता है, तो आप इसको नॉर्मल एयर में ड्राई भी नहीं कर सकते, तो ये निकलता नहीं है, ये किसी भी चीज़ से निकलता नहीं है, तो मैंने ये वाला लगवाया है। तो जब आप इस तरह का एक्सटेंशन करवाते हैं तो इसका प्राइस आई थिंक 2200 से लेकर 25 समथिंग के आसपास रहता है, तो इस तरह का इसका प्राइस रेंज होता है। और बहुत सारे पार्लर में कभी कभी ऑफर्स भी चलते हैं जो भी है, तो मैंने जिस पार्लर से कराया उसका डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा इफ इन एनी केस, अगर आपको, आप थाने में रहते हैं और आप विजिट करना चाहते हो वहाँ पर तो। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, अभी तक तो मैं हैप्पी हूँ, लेट्स सी, इंस्टा पे मैं शेयर करती जाऊँगी क्या होने वाला है आगे, कैसे होने वाला है, कितना दिन रहा है अकॉर्डिंग, कितने दिन ये टिका है मेरे नेल्स पे, वो सब मैं इंस्टा पे शेयर करूँगी। और क्या, मुझे बस यही आपको शेयर करना था, एक्चुअली मैं एडिटिंग कर रही थी और एडिटिंग करते करते मुझे याद आया कि मैंने ये तो इंक्लूड ही नहीं किया कि मैंने करवाया क्या है। तो वीडियो आगे फर्दर ले जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी मीशो के बारे में, तो जो लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे थे, मैं बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आई एम शेयरिंग दिस मीशो थिंग इतना ज़्यादा बिकॉज बहुत सारी लेडीज़ें मुझे इंस्टा पे मैसेजेस करती हैं थैंक्स टू, मतलब वीडियो देखने की वजह से वो लोग हाउसवाइफ से बिजनेस वुमेन में कन्वर्ट हो गई हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है, ये है वो है, पॉजिटिव नोट्स ऑब्वियसली ज़्यादा आते हैं, 70 to 80% का रेशो पॉजिटिव्स होता है, कुछ लोगों का
डीमोटिवेटिंग भी आता है कि हमें कुछ फायदा नहीं हुआ है, तो यू हैव टू बी यू नो थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और पेशेंस होना पड़ेगा. कोई भी चीज़ आपको एक महीने में या दो महीने में एकदम से मिलती नहीं है. ओके, तो जो लोग सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ, उनको मैं बता देती हूँ कि मीशो इंडिया का लार्जेस्ट रीसेलिंग ऐप है. तो अगर आप अपनी प्राइमरी इनकम या आप अपनी सेकेंडरी इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं या आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम चाहिए फॉर योर एक्स्ट्रा शॉपिंग और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ के लिए, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. चाहे तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी बना के रखा है. बहुत सारी हाउस वाइफ है जिनका ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है. उसको करना क्या, आपको सिर्फ वो जो ऐप है वो डाउनलोड करनी है. नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिएगा. उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट्स हैं आप वो देख लीजिए एक बार कि क्या क्या इसमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनको सिलेक्ट करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, अगर आपका सर्कल बड़ा नहीं है तो आप पेजेस बनाइए और आप इस तरह से यू नो जो रीसेलिंग का बिजनेस है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं. आपके थ्रू जो प्रोडक्ट की शॉपिंग हुई है उस प्रोडक्ट का जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आपको डायरेक्टली मिलता है. डिटेल वीडियो देखने के लिए, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो देखने के लिए आप नीचे हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पुराने वीडियो के लिंक्स होंगे, तो आप वो क्लिक कर लीजिए. एंड अभी हम चलते हैं आगे. ओके, तो ये वाला जो पैन है दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड बर्गनर, और ये वाला जो ब्रांड है दिस इज, ये वाला जो पैन है दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड मेयर. तो ऑब्वियसली दोनों के साइजेस अलग अलग हैं. ये 20 सेंटीमीटर्स है, ये 26 सेंटीमीटर्स इसका जो डायामीटर है ये वो है. तो ऑब्वियसली इनका वेट में डिफरेंस होगा, बट जो बाकी क्वालिटीज़ हैं, जो बाकी कंपैरिजन है वो हम इसका कंपेयर करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ इसकी, बर्गनर पैन की. तो इसमें मुझे पहले तो मैं बताती हूँ कि इसका ड्रॉबैक क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज प्रिटी एक्सपेंसिव, ठीक है. जो प्राइस का ये आता है उसी के आसपास के प्राइस का ये आता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस के आते हैं. तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो हैंडल है ये गर्म हो जाती है. ऑब्वियसली आप 15-20 मिनट्स के कुकिंग करते हैं ना तब तो गर्म नहीं होता है, लेकिन जब गैस आप थोड़ा तेज, जैसे आप मीडियम से थोड़ा तेज भी अगर आपने गैस कर दिया तो ये जो है आप इसको यहाँ पर पकड़ नहीं सकते हो क्योंकि ये गर्म हो जाता है. मैंने जब इसके रिव्यूज पढ़े थे अमेजन पे तो उसमें लिखा हुआ था कि हैंडल गर्म नहीं होता है, इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंटल पर्पज से लिया. इवन मैं वन स्टॉप पे गई थी, वहां पर भी है बर्गनर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उन लोगों ने भी मुझे ये बोला था कि हैंडल गर्म नहीं होता है. तो आई वॉज वंडरिंग, मेरे हस्बैंड ने तब भी मना किया था, विक्की ने मना किया था क्योंकि ये स्टील है और स्टील से अटैच है तो ऑब्वियसली गर्म होगा, बट फिर भी मैं लेकर के आई क्योंकि ये ब्रांड काफी यू नो रेनाउंड ब्रांड है और काफी अच्छा ब्रांड है, तो मैं इसको लेकर के आई. तो आई वुड से कि ये तो गर्म, बिकॉज दिस इज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यार. अगर इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट पे छोटे छोटे ड्रॉबैक्स जो आएंगे तो यू नो आई वुड नॉट सजेस्ट यू, एक भी अगर ड्रॉबैक आता है तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू बाय दिस प्रोडक्ट. तो फर्स्ट जो ड्रॉबैक कंपैरिजन है वो ये है. अभी इसी में अगर मैं मेयर के प्रोडक्ट की बात करूँ तो इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर सिलिकन दिया हुआ है, तो आप एक घंटे भी कुकिंग कर लोगे तो ये गर्म नहीं होगा, एटलीस्ट आप पकड़ पाओगे. चाहे यहाँ से गर्म हो भी जाता है ना तो आप यहाँ से एटलीस्ट आप इसको पकड़ सकते हो. यू नो बर्गनर के जो लिड्स आते हैं वो मोस्टली स्टेनलेस स्टील के आते हैं और इसके जो लिड्स आते हैं वो ग्लास के आते हैं. तो जो स्टेनलेस स्टील का लिड है अगेन उसके ऊपर इन लोगों ने कुछ भी सिलिकॉन वगैरह नहीं लगाया है, तो वो भी बहुत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता होगा. आई एम श्योर जब ये हैंडल गर्म हो सकता है इतना थिक होकर के तो वो भी गर्म होता ही होगा. और इसके यहाँ पर अगेन सिलिकॉन है तो दिस इज अगेन प्लस पॉइंट. मैं अगेन जो वन पॉइंट है वो मेयर को दूंगी कंपेयरिंग एवरी पॉइंट. और उसके बाद ये वाला जो पैन्स है ये 5 mm थिकनेस है, इनके अंदर जो है इनकी जो थिक बेस है दैट इज ऑफ 5 mm. और इसका बेस कितना mm है आई डोंट नो, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, बिकॉज मैंने इनकी वेबसाइट भी चेक करी, मैंने अमेजन पे जो डिस्क्रिप्शंस और साइजेस और इंस्ट्रक्शंस है वो भी चेक करे, बट मुझे इसकी बेस का थिकनेस नहीं पता चला. सिर्फ दोनों की ही 10 ईयर्स की वारंटी है. एक और चीज, जब आप ऑयल वाले आपके हाथ होते हैं या स्लिपरी हाथ होते हैं ना तब आपका ये वाला जो पैन है वो आपके हाथ से स्लिप भी होता है, बिकॉज ये पूरा बहुत ही ऑलरेडी ये काफी स्लिपरी है, तो मतलब यू नो एकदम स्मूथ सर्फेस है तो ये स्लिप होता है, लेकिन इसमें सिलिकॉन है तो ये मतलब मैं तो बोलती हूँ हैंडल के उस पर ही, बाकी सब तो ठीक है बट हैंडल पे ही मेरा पॉइंट पूरा मेयर पे चला जाता है. और दूसरी चीज, ये जो प्रोडक्ट है दिस इज 100% सेफ, ये निकल फ्री होता है और काफी थिक इसका बेस होता है,
तो डेफिनेटली अगर आप मुझसे पूछो, आप दोनों ले सकते हो, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का स्टील काफी अच्छा है, दोनों स्टेनलेस स्टील है। बट अगर आप मुझसे मेरा रिव्यू पूछोगे कि कौन सा ज्यादा, दोनों के प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम है, जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं वो इनकी तरफ ज्यादा है, तो दैट्स वाई आई वुड हाईली रिकमेंड यू मेयर वाले। बाकी इफ यू वॉन्ट टू गो बर्गनर आप वो भी जा सकते हो, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।